हर कृष्ण बच्चों वेलकम बैक क्लासिक्स यूनिट 4 यानी हम कर रहे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा यानी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया राइट। तो आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से राइट आपको यानी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं 4.1 का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 यानी एक्सरसाइज है आपके पास यहाँ पर 4.1 राइट। 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे कवर करेंगे राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके पास कहता है देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है पर इसको ध्यान से समझते हैं। कहता है निम्नलिखित में से होकर रेखाएं कितनी रेखाएं खींची जा सकती है अगर एक बिंदु हो तो उसके एक बिंदु में से अगर आप ध्यान दो तो एक बिंदु से अगर मान लो एक बिंदु है ये रहा तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं अनंत रेखाएं क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाले हम ऐसे भी खींच सकते हैं 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 ये सारी क्या है रेखाएँ राइट अनंत रेखाएँ और भी मैं खींच सकता हूँ समझ को। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है रेखाएँ हैं जो और भी मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ देखो ऐसे ऐसे बहुत सारी तो यानी एक बिंदु से कितनी रेखाएँ खींच सकती है अनंत अपरिमित अपरिमित बोल सकते हो आप इसे अनंत बोल सकते हो है ना अनंत रेखाएँ क्लियर बात। तो इस तरीके से आपके पास एक बिंदु से लेकिन दो बिंदु से क्या है देखो यहाँ पे अगला बी पार्ट है दो बिंदु यानी एक बिंदु ये रहा एक बिंदु ये रहा तो इन दो बिंदु से ये ए है ये बी है तो इन बिंदुओं से केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हैं जो कि इन दोनों से मिला हो गए यानी दो बिंदु से केवल कितनी रेखा खींच सकते हैं हम केवल एक लेकिन एक बिंदु से हम अनंत रेखा यानी अपरिमित रेखाएँ खींच सकते हैं राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनानी है एक स्केच करना है आपको और उचित रूप से उसका नामांकित भी करना है जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसको चित्र बना के उसके हिसाब से उसे क्या कर नामांकित करना है ठीक है। तो देखो कहता है बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है तो मैं इसके सॉल्यूशन में क्या करूँगा मैं एक रेखाखंड ले लूँगा रेखाखंड ए बी तो यहाँ देखो रेखाखंड में क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट होते तो एंड पॉइंट में ले लिया एरो का निशान ही लगा रहा मैं इधर एंड पॉइंट है यानी इससे ए से आगे इधर कोई ए इधर से विस्तारित नहीं कर सकता बी इधर से विस्तारित नहीं कर सकता तो इसके ऊपर क्या दिखाना है बिंदु पी रेखा ए बी पर स्थित है ए बी पर यानी इसके ऊपर कहीं पर भी मैं एक बिंदु पी दिखा दूंगा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैं यहाँ भी दिखा सकता था यहाँ भी दिखा लेकिन इस रेखाखंड पर ही होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर ये ना भी लिखा हो तो उस चित्र के माध्यम पढ़ सकते हैं कि रेखाखंड ए बी है जिसमें पी बिंदु क्या है स्थित है ठीक है। अब यहाँ पर बात करो बी पार्ट की कहते हैं रेखाएँ एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है तो दो रेखाएँ हैं है ना तो एक हो गया एक्स वाई ये एक्स वाई मैंने खींचा ये क्या खींचा मैंने पी क्यू क्या खींच दिया मैंने ये खींच दिया मैंने ये रेखा एक्स वाई था और ये क्या खींच दिया मैंने पी क्यू ठीक है ना तो यहाँ पे एक्स और वाई बोल सकते हैं आप ये एक्स और वाई हो गया ठीक है एक्स और वाई और ये क्या हो गया बेटा ये आपके पास हो गया पी और ये क्या हो गया आपके पास क्यू ठीक है बेटा तो ये एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा पी क्यू तो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु एम पर तो यहाँ मैं एम लिख सकता हूँ तो देख सकते हो रेखा एक्स वाई और पी क्यू क्या कर रहे हैं बिंदु एम पर क्या करता है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। इस तरीके से हम इसका चित्र बना सकते हैं और जैसा क्वेश्चन में बोला है तो ऐसा हमने क्या किया इसका नामांकन भी कर दिया ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ सी की कहता है रेखा एल पर ई और एफ स्थित है रेखा एल पर एक रेखा ले लिया मैंने सीधा ऐसे करके ले लिया मैंने एक गेरा एरो एक गेरा एरो ना इसका इस पूरे लाइन का नाम जो है उन्होंने बोला है क्या रखना है आपको एल रखना है मैंने एल रख लिया इसका पूरा नाम क्या रखना है मेरे को एल एल रख लिया मैंने ठीक है जी। और रेखा एल पर ई और एफ यानी मैंने ई और एफ रख दिया ना ई एल पर ई बिंदु दिखा दिया मैंने एफ बिंदु भी दिखा दिया है ना ई और एफ स्थित है स्थित कर दिया मैंने इस रेखा यानी इस एल पर मैंने ई और एफ बिंदु लिया परंतु डी स्थित नहीं हो जो डी डी को आप कहीं और दिखा तो यहाँ दिखा दो डी ये डी एक ये बिंदु है यहाँ डी है देखिए जो डी है वो क्या है एल ये जो रेखा रेखा है रेखा जो एल है इसके ऊपर स्थित नहीं है अलग है ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसका चित्र दिखा सकते हैं ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डी की कहता है ओ पी और ओ की बिंदु ओ पर स्थित है ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर स्थित है ना बिंदु ओ पर मिलती है सॉरी बिंदु ओ पर मिलती है तो मैं क्या करूँगा कि ओ पी एक लाइन खींचा ऐसे और एक लाइन मैंने खींच दिया ऐसे है ना तो ये हो गया आपके पास ये बिंदु ये ओ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी है ना ये बिंदु पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा ये आपके पास क्यू तो देखो ओ पी और ओ क्यू कहाँ आगे कहाँ मिल रही है बिंदु ओ पर मिल रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं जो कंसेप्ट था इसका हमने यहाँ पे इसका
चित्र बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या होता है आपका खत्म होता है। बेटा ये बहुत आसान यूनिट है, लेकिन आप 6th में उसको आपको गहराई से करना है। जब ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाए तो बेटा आप, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फिर आपके लिए जो बड़ी बड़ी क्लासों में फिर आप 7th में, 8th में, 9th में इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर वो क्या करते हैं, एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें आपको याद समझ में आ जाता है और आप ध्यान रखेंगे तो फिर जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े क्लासों में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना हो जाएगा आपके लिए बिल्कुल 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 आसान, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसको ध्यान से करना है, ध्यान समझना है ना। तो उसको हल्के में नहीं लेना है कि चलो ठीक है छठी है कोई बात नहीं, कम भी आएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। तो गहराई से समझना है, जब आप गहराई से समझेंगे तो फिर आपका मैथ में इंटरेस्ट बना रहेगा और फिर बड़ी क्लासों में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से मज़े में अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपको बहुत एक आनंद और एक रस का अनुभूति कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, अपने दोस्तों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर करना है। और अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब जैसे आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे मैं जब जो भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग 6ठी से लेकर 12वीं तक के पूरे एनसीईआरटी की बुक इसमें कवर करने वाले हैं और वो भी बहुत आसान 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 तरीके से, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए और जो इसके साथ बने हुए हैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।